एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया? अगेन आई एम बैक विद वन टू यू नो परफॉर्म टू गिव अनदर लेक्चर ओवर द रिवीजन ऑफ एथिक्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस. एथिक्स इन अकाउंटिंग फाइनेंस पर जानने से पहले आप ये जान लीजिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स एक कंपनी के लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं. अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन फॉर एनी कंपनी. एक कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूर उसके अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं. सर जी ऐसा क्यों? बेटा जी ऐसा इसलिए क्योंकि ये फाइनेंस अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसमें वो काम तो ऑर्गेनाइजेशन के पैसों से करते हैं लेकिन उनके काम पे रिलाई पब्लिक भी करती है. जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वो ऑडिट करने जाता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके काम के ऊपर कौन रिलाई करता है? उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम के ऊपर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया रिलाई करती है, हमारी गवर्नमेंट रिलाई करती है, हम रिलाई करते हैं. यानी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे कौन कर रहा है? उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे कर रहा है कंपनी. कंपनी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे कर रही है. इसका मतलब यह हुआ कि अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स आर वर्किंग नॉट ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी. इन द टूडेज एरा देयर रोल हैज बीन इंक्रीज्ड due to the fraud which has been coming up. There are lots of accounting standards has been happened in the era of 90s and 2000s. Few are name is Enron, then WorldCom, then India's famous Satyam, then Abibi, Rose Valley, Saharas and all. In Gotalo ki wajah se, kahin na kahin, अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स की जो छवि है, स्पेशली द ऑडिटर्स, उनकी छवि कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है. इस इमेज को बचाने के लिए इट बिकम नेसेसरी टू फॉलो द एथिक्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस बिकॉज आपके काम पे दुनिया रिलाई करती है. एनरॉन के फ्रॉड की वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आर्थर एंडरसन का लाइसेंस तक रद्द हो गया था. वो तो पूरी डिजॉल्व भी हो गई थी. वो बात और है, लेटर ऑन देयर पार्टनर्स हैज जॉइन एंड दे हैव मेक अनदर फर्म व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोटिविटी. वो बात और है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. बट यस, इसलिए आजकल जरूरी है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो काम करे वो कहीं ना कहीं एथिकली करे. या अभी नोटबंदी हुई है, कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट आई है कि 34 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स समहाउ इससे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग. दैट वाज रॉन्ग. या बिकॉज वी आर रिलाइंग ओवर योर रिपोर्ट एंड यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम, ये चीज आपको जो है शोभा नहीं देती. आपके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ नेम ऑफ ट्रस्ट एंड आपकी बैलेंस शीट के ऊपर तो हर कोई रिलाय करता है. देयरफॉर यू आर सपोज टू वर्क for the benefit of the society. You're not supposed to work to increase your income, but you have to take care of the society viewpoint. Because jitne bhi abhi tak fraud hue, accounting fraud, usme kahin na kahin chartered accountants involved the. Usme kahin na kahin chartered accountants involved the. Jab chartered accountant hi is kaam ko involve honge, to yaar, unki image to hamper ho gayi na. So therefore, chartered accountants means accounting and financial professionals, they are required to work in a socially acceptable manner because aapke kaam pe duniya rely karti hai. What are the principles of ethics chartered accounts and finance professionals are supposed to follow?
An account and finance professional can be of two types. You know, we can work as a consultant also, and we can work as a employee also. Accounts and finance professional can be of two types. Either we are working in the capacity of professional, or either we are working in the capacity of employee. So, the principles of ethics in the context of accounts and finance. What are the principles of ethics which you are supposed to follow? Which an accounts and finance are supposed to follow. Iska mnemonics hai. Bank of India ki branch CP mein hai. Bank of India ki branch CP mein hai. B for behavior. O for objectivity. I for integrity, C for competence, C for confidentiality, P for professional competence and due care, C for the confidentiality, I for integrity, I for integrity. Integrity का मतलब क्या होता है बेटा? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि बॉस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल शुड हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच. अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, मतलब ही मस्ट बी ऑनेस्ट इन हिज वर्क, ही मस्ट बी सिंसियर इन हिज वर्क. जो भी वो काम करे गुड फेथ में करे, डिलिजेंसली से करे. इज दिस पॉइंट इज क्लियर? मतलब ही मस्ट बी ऑनेस्ट, he must be straightforward, he must make his report, he must make his report. Integrity ka matlab kya hai? He must be honest, he must have a straightforward approach, he must be sincere his professional work. Matlab bhaiya wo aisa na ho jo ki honest now. He must be honest. He must have a straightforward approach while conducting the his work. Second, objectivity. Independent. Independence. किसी बिना किसी के दबाव में काम करे. अगर अपन दबाव में आके काम करेंगे, एक accounts and finance professional, if I see in the you know, as a chartered accountant, आप जो है fair work करने के लिए जाने जाते हो, अगर आप वो किसी के दबाव में आके काम करोगे तो आप रिपोर्ट सही कहां दोगे? He should do the work without any biasness. Without bias. So the first point is the principle of ethics in context of accounts and finance profession. First is integrity. Integrity matlab he must be honest, his approach is straightforward, he is doing work without any fear, he is doing accurate work on a timely basis, matlab jitni bhi achhi achhi qualities hoti hai wo sari. Objectivity, without any fear ke wo kaam kar rahe, he is independent. Confidentiality, किसी को डिस्क्लोज नहीं करना इंफॉर्मेशन. किसी को डिस्क्लोज नहीं करना इंफॉर्मेशन. अनटिल एंड अनलेस आपने क्लाइंट से उसकी मंजूरी ले ली हो, या फिर आपने जो है आपको जो है एज पर लॉस डिस्क्लोज करने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिटर को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताना पड़ता है. तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी आप मेंटेन कर रहे हो, नहीं मर रहे? ऑफकोर्स यस. इसका मतलब यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट की मिली है, या जो भी इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर की मिली है, तो वो आप अपने पर्सनल पर्पज का यूज नहीं कर सकते दोस्त. यू आर नॉट सपोज टू यूज द वर्क फॉर योर पर्सनल पर्पज. You can use the work only for the benefit of the, you can use on that information only if you have taken the permission of the employer or your client, or
it is required by law to disclose that information. Professional behavior. Professional behavior ka matlab hai ki boss, accounting and finance professional should comply with the relevant rules and regulations. He should comply with the relevant rules and the regulation. He should follow the code of conduct laid down by professional body. He should comply with the relevant rules and regulation. He should follow the code of conduct laid down by the professional bodies. Here the point clear hua. Last is professional competence and due care. He must have updated knowledge. Simple si baat hai, principles of ethics in context of finance and accounts. You have to write it, remind in a such a way that बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच सीपी में बी फॉर बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर, ओ ऑब्जेक्टिविटी, भैया जी बिना किसी दबाव के काम करे, आई फॉर इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट बायसनेस एक्सेट्रा, सॉरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर, एक्यूरेट, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी इन्फॉर्मेशन अंटिल एंड अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और परमिशन हैज बीन टेकन. बी फॉर behavior, professional behavior, you should comply with the relevant rules and regulation. You should follow the code of conduct laid down by the professional body. मतलब जो भी आपकी body या body है उसके द्वारा जो जो code of conduct laid down करे, you should follow it. अगर आप वो follow नहीं करते, अगर आप वो follow नहीं करते हो, तो आप कहीं ना कहीं professional behavior नहीं करो. मतलब professional behavior, you should behave as per the code of conduct laid down by the chartered accountancy or the relevant bodies. Is this point was pretty clear with everyone? यहां तक क्लियर हो गया ना. नेक्स्ट पॉइंट इज क्या रीजन है लोग अनएथिकल हो जाते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले, क्यों क्यों हो जाते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस. बड़ा क्लियर है इसका है निमोनिक्स, मास इग्नोर, सैम इग्नोर करता है, करना है इकोनॉमिक साइकिल को. आई रिपीट वंस अगेन, मास इग्नोर करना है इकोनॉमिक साइकिल को. मनी माइंडनेस बॉस, पैसा. बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोजेक्शंस ऐसी दे रही है, बहुत अच्छी अच्छी प्रोजेक्शंस दे रही है, सिर्फ एक ही चीज है पैसा न कमाना. बिजनेस एंटरप्राइजेस पैसे के चक्कर में, पैसे एक्चुअल प्रॉफिट्स दिखाने के चक्कर में, ताकि इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, अनएथिकल तरीके से अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह को दिखाते हैं. जैसे एनरॉन हो गया, वर्ल्डकॉम हो गया, उन्होंने तो यही तो करा है, अनएथिकल तरीके से अपनी बैलेंस शीट को दिखाया. अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, कभी कभी अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा होती है कि हम समझ नहीं पाते क्या करें, और उसी चक्कर में हम कहीं ना कहीं मिस एप्लीकेशन कर देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, या मैं कहूं लॉस का. समटाइम्स द पर्सन डू नॉट हैव अ नॉलेज, जिसकी वजह से वो अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस जाता है, एंड ही इज नॉट कैपेबल टू डू द, ही इज नॉट कैपेबल टू डू द राइट ट्रीटमेंट, ही डू द रॉन्ग ट्रीटमेंट. शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म में हम अपनी इमेज अच्छी दिखाने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट दिखाने लग जाते हैं, अकाउंटिंग के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं. ठीक है यार शॉर्ट टर्म में आप कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपने छेड़छाड़ करी है वही आप पे भारी पड़ जाती है, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द वाइंड अप ऑफ द कंपनी.
इग्नोरिंग स्मॉल एंड अनएथिकल इश्यूज. कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे फ्रॉडों को इग्नोर करते रहते हैं और एक दिन यही छोटा छोटा फ्रॉड क्या बन जाता है, एक बड़ा फ्रॉड बन जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. आई रिपीट वन सेकेंड, माई मनी माइंडनेस. अच्छे प्रॉफिट दिखाने के लिए, अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए, हमारी बैलेंस शीट अचीव करने के लिए हमेशा हम कहीं ना कहीं अनएथिकल हो जाते हैं. अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज है जिसकी वजह से जो है हम कभी कभी अनएथिकल हो जाते हैं बिकॉज हमें नॉलेज नहीं है. शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म में अपनी इमेज अच्छी दिखाने के लिए अनएथिकल हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म में उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है. इग्नोरिंग स्मॉल अनएथिकल इश्यूज, एम फॉर मनी माइंडनेस, ए फॉर अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, एस फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी. इग्नोर इन स्मॉल अनएथिकल इश्यूज, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने की वजह से हम बड़ी बड़ी इश्यूज को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हाथ मान देते हैं. इकोनॉमिक साइकिल, यह जब इकोनॉमिक डाउनटर्न होती है ना, या जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल स्टार्ट होता है या डाउनफॉल हो जाता है, तो यार उसको लगता है यार अब तो बहुत ज्यादा लॉसेस आने वाले हैं या हालत खराब होने वाली है और हमारे अंदर इन्वेस्टर्स जो है या हमारे जो शेयर होल्डर्स है मार्केट प्राइस का गिरेंगे, हमारे इन्वेस्टर्स हमसे नाराज होंगे, वो डायरेक्टर्स को वो निकाल सकते हैं या एक्स एंड वाई जेड. वो इस चीज से बचने के लिए अनएथिकल इश्यूज करते रहते हैं. कहना का मैं सत्यम को एग्जांपल इसमें फिट कर सकता हूँ, कहना का मैं सत्यम को एग्जांपल इसमें फिट कर सकता हूँ. कहने को इसमें भी हो, क्योंकि उसने पैसों के लालच में सब कुछ किया था अपने बेटों की कंपनी को फाइनेंस करने के लिए, इसलिए उसने अनएथिकल इश्यूज किए थे. इकोनॉमिक साइकिल एनरॉन का एग्जांपल परफेक्ट रहेगा कि बॉस जो उनकी अनफेल्ड डील्स थी उसकी वजह से काफ़ी सारे लॉसेज हो गए थे, अगर वो दिखाते तो वो गिर जाते, तो अपनी कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छा करने के लिए उन्होंने क्या, व्हाट दे डिड, दे हैव कॉम्प्रोमाइज विद देयर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स. दे हैव कॉम्प्रोमाइज विद द अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स. ओके गाइज, यहाँ तक आपको बात समझ में आया या नहीं आया? आई गेस आपको यहाँ तक बात समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक कोई भी इश्यूज नहीं होनी चाहिए. दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन. आज हम यहीं पर रुकता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था, फिर भी आई डिड अ स्मॉल रिकॉर्डिंग फॉर यू. कल तक यू विल गेट अ, कल तक यू विल गेट अ, यू नो कल तक आप लोग काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग आप सुन लेना. आई विल फिनिश विद द एथिक्स एंड काम टुमारो. तब तक ले बाय, टेक केयर, शब्बे केयर, ऊपर वाला सही रास्ता दिखाएं.